तो गाइज़ अभी शीर खुरमा के लिए यहाँ पे दूध चढ़ा दी हूँ, और दही बड़े के लिए यहाँ पे दाल फूलने के लिए मैं कल ही डाल दी थी। तो गाइज़ अभी जो है मैं शाम के टाइम, सुबह से मैं व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि मैं काम में लग गई थी और मुझे बहुत जल्दी काम भी करना था, और शायद आज रात जो है चांद चांद रात है, हो सकता है आज निकल भी सकता है, चांद नहीं भी निकल सकता, और बारिश भी हो रही है, पता नहीं। और शीर खुरमा जो है वो तैयार है, इसमें बस मैं चीनी डालूंगी। तो गाइस सुबह जो है खेलते खेलते ही सो गया, और इतना पाला शमले भी तो लग रहा मैं भूरा भूरा इसको। तो गाइस अभी हम मेहंदी लगाने के लिए बैठे हैं क्योंकि अभी सुबह जो है बहुत देर के बाद अभी जा करके सो गया है, और मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। मुझे मेहंदी लगाने का मन नहीं है, फिर भी थोड़ा सा सोच रही हूँ लगा लेती हूँ। और इसके लिए मैं गूगल पे मेहंदी डिज़ाइन सर्च की हूँ और ये सब डिज़ाइन आया है, बट मुझे ये डिज़ाइन एकदम नहीं पसंद है। और अभी हम देखते हैं और लगाना स्टार्ट करते हैं, और आप लोगों को भी मैं दिखलाऊंगी। वैसे आज हम लोग खाना बाहर से ही ऑर्डर किए थे, कौन पॉट नाम है, बिरयानी पॉट। और गाइस अभी जो है दही बड़े बना लेते हैं क्योंकि लेट हो जाएगा इस। पानी में हल्का सा उसमें पानी में नमक मिला के मैं डाल दी थी, और थोड़ी देर के लिए वड़ा को उसी में पानी में रखना है, उसके बाद हल्के हाथों से उसको निचोड़ करके निकाल लेना है। और यहाँ पे मैं दही को अच्छे से हल्का सा पानी डाल करके उसको अच्छे से मिलाऊंगी, और हल्का मतलब गाढ़ा पेस्ट बनाऊंगी, और उसमें नमक और चीनी मिला करके अच्छे से मिला दूँगी, और उसके जितना सारा वड़ा को मैं इसी में डाल देती है। तो गाइस सुबह उठते के साथ एकदम बादल बहुत ज़्यादा घिरे हुआ, बारिश बहुत ज़्यादा ही हो रही है। अस्सलामु अलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, और आप लोग दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह आप एकदम अच्छे हैं। तो गाइस अभी जो है चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए, और मैं वीडियो भी नहीं बना सकती क्योंकि मैं सो ही रही थी, और रात में काफ़ी लेट से सोई थी इसीलिए हम नहीं उठ पाए। और क्या कहते हैं जुबैर भी उठ गया, इसको भी तैयार करना और खुद भी तैयार होना, और कल जो बनाए थे छोले वोले उस सबको भी तैयार करना क्योंकि जो है आएंगे उसके बाद खाएंगे। और अभी गाइस बाहर जो है ना बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है, आज तो कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रही है। क्या कहते हो जुबैर अहमद, कुछ कहना है? उठ करके बैठ गया, जैसे जुबैर का गेट बन गया ना वैसे ही उठ गया, कुछ कहिएगा आप। तो यहाँ पर ईद की नमाज़ हम लोगों ने बारिश में ही पढ़ी, अभी तो बारिश कम लग रही है लेकिन ईद की नमाज़ के वक्त बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही थी, जानेमाज़ पूरा भींग गया था। और अब चलते हैं घर पे। तो गाइस मैं अपना भी दिखला ही दूँ कपड़ा, जो कि मैं दो कपड़ा दोनों में से मुझे नहीं पता कौन सा मैं आज पहनूँ। ये वाला सूट है जो कि पहनूँगी पूरा, तो ऊपर से देख लीजिएगा, ज़्यादा तामझाम वाला मैं नहीं ली हूँ। और इसका पैंट ये है, और एक ये वाला है गाइस, एक ये वाला सूट है। मुझे ये वाला और ये वाले में डिसाइड करना कौन सा मुझे पहनना, और जो है मुझे वाला पसंद होगा वो पहनेंगे, बाकी आप लोग बताना जो आप दोनों को, आप लोगों को इन दोनों में से कौन सा अच्छा लगा। सुनिए ना इधर गाइस, अभी जो है ना बारिश की वजह से अपना कुर्ता पैजामा चेंज कर लिया, पहनेंगे अभी। अच्छा लग रहा है, कौन सा पहनूं मुझे वो बता दीजिए आप। नहीं सही, तुरंत रिजेक्ट कर देते, ढीला बहुत होगा, ढीला होगा, यही पहन पता है। हाँ वो तो पता है। तो गाइस हम लोग तैयार हो चुके, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, और आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम एकदम अच्छे। तो गाइस आप सभी को सबसे पहले ईद बहुत बहुत मुबारकबाद, और आज है ईद, और हम लोग सऊदी में आज ईद है, इंडिया में कल ईद है, लेकिन वीडियो जब तक आया तो इंडिया में भी शायद ईद हो जाएगा, ईद हो जाएगा, इसीलिए आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और गाइस मैं सुबह में वीडियो नहीं बना सकी थी क्योंकि जोहैब जो बहुत जल्दी में थे और बारिश भी हो रही थी, इसीलिए बाहर भी जोहैब वीडियो नहीं बना, थोड़ा सा वीडियो नहीं हो, बारिश हो रही थी, नमाज हम लोग बारिश में ही पढ़े, पूरा नीचे पानी के ऊपर ही जानेमाज बिछा करके नमाज पढ़ाई।
इसीलिए ज़्यादा वीडियो नहीं बना सके, हम भी ज़्यादा नहीं ले सके क्योंकि जब जो है चले गए तो ज़ुबैर भी उठ गया था, इसीलिए उतना वीडियो नहीं बन पाया। बट अभी से जो भी होगा वो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी और इसीलिए वीडियो में बने रहिए। अभी हम लोग जाते हैं, खाते पीते हैं और क्या क्या करेंगे वो सब देखते रहिए आप लोगों को। और ये मैं सिंपल और सोबर सा कपड़ा ली हुई इस बार और ज़्यादा ताम झाम वाला नहीं ली हूँ, ना कि मुझे उतना बाहर भी जाना नहीं है, प्लस कोई मेरे आने वाला भी, इसीलिए कम्फर्टेबल कपड़ा ली हूँ। और आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये कपड़ा और आप अपना भी दिखा दीजिए कर दिए थे। तो गाइस देखिए यही वाला कपड़ा, कौन सा अफगानी ड्रेस या पैठानी है और लड़की कहा था मैं यही पैठानी कुर्ता पैजामा सेम टू सेम, जुबैर और दोनों पापा बेटा का सेम टू सेम है। और अभी हम लोग जा रहे कुछ खाते पीते हैं और सुबह से कुछ खाने पीने के लिए बेचारे को नहीं मिला। मैं बोली थी मैं देती हूँ बट ये बोली जब तक आप तैयार नहीं होगा तब तक मैं नहीं खाऊंगा। अकेला क्या खा रहा, अकेला कुर्ता पैजामा खा नहीं क्या, ये सब फैमिली बैठ कर खाए अच्छे, सब तैयार हुए खाए एक साथ में, तो कोई बात सही है। ऊपर से ऊपर से वो सब डाल देती हूँ ना। और ये रेडी हो गया है दही भल्ले, दही बड़े। मुझे पहले आता ही नहीं था क्योंकि मैं कभी खाते ही नहीं थे, लेकिन जब से मैंने बताया है कि मैं खाता हूँ मेरा फेवरेट है, जब से आप मुझे जो जो बताया ना मुझे मेरा ये फेवरेट है। थैंक यू, थैंक यू, सीखना स्टार्ट। थैंक यू। और यहाँ है अपने छोले, छोले में चाय पत्ती डाला था, मेरे को आज पता चला है। आप लोग को भी अगर आज पता चला हो कि छोले में जो चाय पत्ती डाला जाता है तो कमेंट कीजिएगा। एक चाचा है हमारे वकाले वाले दुकान है उनका, हमको देख कर आते हैं, उनकी फैमिली है नहीं यहाँ, इसीलिए देना चाहिए, देना भी चाहिए। और कल सुबह अहमद यहाँ जो है बस बाय 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 आ गए। क्या बोले कुछ बोले, तुम लोग बहुत तकलीफ करता है। अच्छा नहीं है हाँ, ईद है आपका फैमिली नहीं है इसके लिए बस करता ऊपर से आया है। अरे अच्छे से नहीं नहीं आप लोग बहुत तकलीफ करता है, शुक्रिया शुक्रिया, ईद मुबारक। अच्छा बोले बर्तन बाद में लेके जाएगा हबीबी। अरे अच्छे बेचारा सा ये सब चीज थोड़ा ना, बहुत से बहुत पुलाव गोश्त बनाया होगा तो करके मैं भी नहीं रहूं तो आपको भी कोई दे सके। तो गाइस जब तक ऐसा है अच्छा जाकर देने के लिए तब तक मैं जा रही हूँ खुद के लिए, मतलब अभी हम लोग जो खाएंगे उसके लिए निकालने के लिए। और क्या इससे मतलब चाचा लोग अकेले रहते हैं और फैमिली यहाँ है नहीं, फैमिली रहती तो कोई बात नहीं बट फैमिली नहीं है, इसीलिए मैं सोचती हूँ मतलब देना अच्छा है, मतलब अच्छा लगता है किसी को देने में, तो इसीलिए अभी चाचा को देने के लिए जोहैब गया है। और देना भी चाहिए जो अकेले रहते अपनी फैमिली से दूर, तो वो बेचारे लोग तो इतना कुछ तो बना नहीं सकते हैं, जो बात है बहुत से बहुत पुलाव गोश्त बना लिए होंगे, यही कर सकते हैं उसके सिवा तो और कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए मैं दही बड़े छोले और शीर खुरमा तीनों भेज दी हूँ और जा रही हूँ जब तक जोहैब आ ही रहे होंगे, जा रही हूँ जब तक निकालने के लिए अपने लोग के लिए। और गाइस मैं कैसी लग रही हूँ आज मुझे बताइएगा आप लोग कमेंट में ज़रूर। और मुझे अच्छा लग रहा है, ये कपड़ा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी लग रहा है, गर्मी भी नहीं है गाइस इसीलिए और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जुबैर तो अभी सो ही रहा है, वो उठेगा कब उठेगा पता नहीं। सबसे पहले ये खाया जाए अच्छा, अब अच्छा हुआ अब सही है। क्या किया आप, हाँ ये क्या किया घर में। तो गाइस जुबैर अहमद जो है वो भी रेडी हो गया है और वो रेडी हो करके अपने मोबाइल में लग गया है और अभी हम लोग तो गाइस अभी हम लोग तो खा पी लिए और खाने पीने के बाद अब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, यहाँ ना किसी का आना ना किसी का जाना है, बट फिर भी देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है।
तो गाइज मुझे ईदी मिलने वाली है, आई एम एक्साइटेड ईदी के लिए, बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार था। अरे यार 10 रियाल का नोट क्यों लाए मैं, 10 रियाल बाप रे कितना एटीट्यूड में, मेरे इसमें से पैसा निकाल के नहीं ना लाया। ये मेरा है देखे गाइस, देखे ना, 1 2 3 4 5 अल्लाह मेरे बेटा के साथ ना इंसाफ ही नहीं करने का। आए आए सारा गाइस ये क्या किया आप, अरे 5 रुपए की कीमत मालूम है आपको क्या है क्या, हम सऊदी में आए थे 10 रुपए पॉकेट में लेके आए थे, रेलवे स्टेशन पे सोए थे, 5 रियाल में आप क्या क्या कर सकती हैं पता है, ये इंडिया के हिसाब से कितना 100 रुपया 100 रुपया हुआ, 100 रुपया मुझे दीजिएगा आप है। मुझे तो बच्चा में मुझे मेरे अबू दिया करते थे, नहीं और दीजिए, वो कितना हुआ, 100 रियाल इंडिया के हिसाब से कितना हुआ, 2200 नहीं मुझे 5000 चाहिए, मुझे 5000 निपटा दिए। अरे तो कम से कम 5000 दीजिएगा ना यार, पहली दफा दे रहे हैं ना आप तो मुझे ईदी, बेटू दीजिए ऐश कीजिए, 50 रियाल 55 रियाल 5 रियाल पहले दिए, कितना हुआ लेकिन कैसे अच्छे से समेट रहा है, 1200-1300 रियाल हो गया, 1200-1300 रुपए अच्छा तब सही है, ऐश करो, थैंक यू, चॉकलेट भी थैंक यू, लिंक ना वापस लेना मोबाइल, नहीं 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 मां नहीं मार ये वीडियो पैसा वापस लेना, समेट के रख रहा है, समेट के रख रहा है, पता है उसको भी कि जाएगा माए के खोली में, हां तो क्या, कितना अच्छे से समेट रहा है, ऐसे ईदी भी अब मिल गई है, और ईदी मिला है तो कुछ तो करना करके दिखाना पड़ेगा, खाना बना के देना ही पड़ेगा, अब वो कपड़ा वड़ा पहन लेना, अब कपड़ा चेंज करके कपड़ा पहने खाना बना, गुलाब गोश्त नहीं गुलाब गोश्त मीठा, तो गाइस अभी जा रही हूँ मैं खाना बनाने के लिए, उसके बाद फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ, कपड़ा भी चेंज करूंगी मैं, पुरानी पुरानी भेष में आऊंगी, अभी जा रही हूँ मैं खाना वाना बना करके फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ। तो गाइस आज उतना दिन भर कुछ ऐसा हुआ नहीं, इसीलिए मैं ज्यादा कुछ दिखला भी नहीं सके आप लोगों को, जो भी हो रहा है वो बस दिखला रही हूँ मैं। गाइज आज हो गया नेक्स्ट डे, और मैं कल वीडियो का एंडिंग नहीं ले सकी थी और मैं आज ले रही हूँ, और गाइज मैं इसी के साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में ऐसे।